सीएसटीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिंट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार है क्या खास, देखें आप। आई हेल्ड माई हैंड टुगेदर और मुझे ऐसा लगा कि एक तरीके से गॉड ने मेरे लिए ये रास्ता चूज किया है। आई जस्ट फेल्ट सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। सोचा कि रोबोटिक आर्म बनाते हैं लेकिन कुछ अलग करके, क्योंकि अगर वही इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मैं बनाता तो फिर वो ये स्टैंड आउट नहीं करता। जो पैरालाइज्ड है वो भी यूज कर सकते हैं। हम लोग का मेन इंटरेस्ट यहाँ पर है कि यहाँ का जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है जनरेट करने के लिए। हाजीपुर में हम लोग सेफ्टी शूज अपर जो है एक्सपोर्ट के लिए, रशिया में एक्सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग चलाएंगे कैसे? अम्बेसिडर बंद हो जाएगी, फिर दूसरे लाइन में जाना ही पड़ेगा मैडम, रोजी रोटी का सवाल है। पीला गाड़ी में आज तक कुछ नहीं किया है। दोस्तों, जिंदगी में वही लोग कामयाबी हासिल करते हैं जो अपने इरादे और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। और मैं ऐसे ही हौसलामंद लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। तो आइए दोस्तों, सब मिलकर देखते हैं, एक नए जोश और जज्बे से नया देखते हैं, नया सोचते हैं और कुछ नया करते हैं। दोस्तों, कामयाबी क्या है ये अगर हम कामयाब लोगों की ज़ुबानी जान लेंगे तो हमारे इरादे और भी मुनज़्ज़म व मुस्तहकम हो जाएंगे। अब इसकी खूबसूरत मिसाल सोनाल कुकरेजा है, जिनके सर पर हुस्न का ताज है। वो इस हुस्न की ताज की तारीफ अपने हसीन लफ्ज़ों में बयान करती हैं। जब वो क्राउन आपके सर पे आता है ना, इन दैट मोमेंट मेरे लिए तो मैं काफ़ी नम फील कर रही थी एकदम से जब हुआ, स्पेशली अभी जब मुझे अनाउंस किया एंड दे वर लाइक द विनर इज नंबर 5 सोनाल कुकरेजा, एंड आई वाज जस्ट ऑल आई डिड वाज दिस, आई हेल्ड माय हैंड्स टुगेदर और मुझे ऐसा लगा कि एक तरीके से गॉड ने मेरे लिए ये रास्ता चूज़ किया है, एंड आई जस्ट फेल्ट सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। आपको हर चीज़ प्रोसेस करने में टाइम लगता है, इस फीलिंग को भी प्रोसेस करने में मुझे टाइम लगा, बट बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा आई वुड से ऑलमोस्ट प्राइड, सारी फीलिंग्स साथ में आ रही थी। तो आप एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाते और सामने इतनी लाइट्स होती हैं, लोग होते हैं, एकदम से कन्फेटी बर्स्ट होता है, सो इट्स सो मच हैपनिंग एट वंस कि उसको, उस मोमेंट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है, बट बहुत ही रिवॉर्डिंग जर्नी रहती है। उसके बाद आपको इतना प्यार, सपोर्ट, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ्स के लिए, आपके टैलेंट के लिए, तो वो खुशी तो आई फील जिनको नसीब हो जाए वो बहुत लकी है, एंड आई फील आई एम वेरी 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 लकी। मेरा आइडिया फूड के साथ हमेशा से बहुत क्लियर रहा है। फूड मुझे लगता है कि जैसे इंडिया में बोलते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होता है, आई बिलीव इट्स ट्रू। कितनी खुशी मिलती है मुझे जब मैं अपना सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खाती हूँ, बट मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं क्या खाती हूँ। मैं ट्राई सब कुछ करती हूँ बट ऑन द डे टू डे मुझे हेल्दी खाना ही पसंद है, तो मेरे लिए वर्कआउट करता है। मुझे एग्स भी बोरिंग नहीं लगते क्योंकि मुझे लगता है एग्स को कितने टाइम में टाइप में बना सकते हो आप। आई कैन मेक एग्स इन लाइक 20 डिफरेंट स्टाइल्स। तो वैसे मुझे लगता है आप अपने फूड को जब स्विच अप करते हो देन यू विल रियली स्टार्ट टू एंजॉय फूड, एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली। मैं बहुत टाइम, मेरी मम्मा हमेशा से जब से खाना बनाती हैं, बचपन से मैंने उन्हें देखा है कि वो अपना पूरा प्यार फोकस उस खाने में डाल के बनाती हैं, तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, एंड आई फील मैंने उनसे वो सीखा है कि मैं जब खाना बनाती हूँ, चाहे वो एक क्विक ओटमील ही क्यों ना हो, मैं उसमें अपना पूरा एफर्ट डालूंगी, उसको डेकोरेट करूंगी, ऊपर से नट सीड्स डालूंगी, सो दैट इन इटसेल्फ बिकम्स लाइक अ डिजर्ट टू मी, जबकि वो हेल्दी मील है, तो आई एंजॉय फूड दैट वे। वेरी नाइस। तो सोना, आप मतलब यंग वुमेन को क्या कहना चाहेंगे जो मिस डीवा बनना चाहती है, जो पेजेंट्स में जाना चाहती है, अ ड्रीम है, व्हाट यू वांट टू से? आई थिंक अगर जिसका भी ड्रीम है मिस इंडिया, मिस डीवा बनने का, पेजेंट्री में जाने का, आई वुड से स्टार्ट बाय acknowledging कि आप जहाँ हो वो इनफ है, वो काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस हो जाती हैं बहुत लड़कियाँ, एंड बिकॉज दे आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट, वो इतना सब कुछ अपना टाइम डेडिकेट करती हैं इस प्रोसेस में, बहुत ज़रूरी है अपनी स्ट्रेंथ्स को पकड़ के रखना
एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर डेस्टिनी में लिखा है आपके लिए तो ज़रूर होगा, तो वो बिलीव के साथ आगे वर्क करते जाओ अपने आप पे। और मुझे हमेशा से ये बात में पूरा भरोसा है कि जो आप मेहनत डालते हो ना, जो आप हार्डवर्क करते हो, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। चाहे आपका सपना एक तरीके से पूरा हो या दूसरे तरीके से, वो पूरा ज़रूर होता है, वो हार्डवर्क ज़रूर काम आता है। सो कीप पुटिंग इन दैट हार्डवर्क, कीप पुटिंग इन द फेथ एंड गो ऑन, मेक एंड यू नो पुट योर, गिव योर सेल्फ द टाइम टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये मैं ज़रूर कहूँगी। दोस्तों, आज की कहानी आने वाले कल की ज़ुबानी है। हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद तो है, और साथ ही साथ वो माजूर अफराद के लिए राहत का एहसास भी रखती है। अब आप खुद देखें कि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 12वीं जमात के तालिबिन खाजिक हुसैन ने एक ख़ास रोबोटिक बाजू तैयार किया है, जिसे सर की हरकत से कंट्रोल किया जा सकता है। जानिए तफसील नाजिमा बेगम से। स्पेशल स्टोरी स्पिन फॉर स्पिन, यानी टाइम अप बदलेगा। मैं नाजिमा बेगम श्रीनगर के इलाके गुलाब बाग से ताल्लुक़ रखने वाले 12वीं जमात के तालिब इल्म हाजिक हसन अहंगर ने एक ख़ास रोबोटिक बाजू तैयार किया है, जिसे सर की हरकत से कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल हाजिक को बचपन से ही इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में जानने का बड़ा शौक था, और वो हमेशा इस बारे में फिक्रमंद रहते थे कि कुछ नया किया जाए। हाजिक ने 10वीं जमात में रोबोटिक्स के बारे में सीखा और फिर रोबोटिक्स की मदद से लोगों के लिए कुछ करना चाहा, और इस वक्त हाजिक ने एक बायोनिक रोबोटिक बाजू देखा और उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा बायोनिक बाजू बनाना चाहता था जो दूसरों से मुख्तलिफ हो और जिसकी मदद से माजूरीन की मदद हो सके। और नाजरीन, इसी कोशिश में हाजिक को 1.5 साल का अरसा लग गया, तब जाके उनकी मेहनत रंग लाई है। खास बात तो यह है कि उनका तैयार करदा ये मसनवी बाजू कम लागत के साथ कम कीमत का माना जा रहा है, जबकि यूरोपीय ममालिक में एक जदीद बायोनिक बाजू की कीमत $30,000 तक $80,000 है। सोचा कि रोबोटिक आर्म बनाते हैं लेकिन कुछ अलग करके, क्योंकि अगर वही इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मैं बनाता तो फिर वो ये स्टैंड आउट नहीं करता। सो फिर मैंने ये गायरोस्कोपिक सेंसर पे बनाया है, ये जो रोबोटिक आर्म है, इसे हम जो पैरालाइज्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके हाथ नहीं है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ 1300 रुपये है। इसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं, इसे और भी एडवांस बना सकते हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक सादा सा बायोनिक बाजू की कीमत कम अज़ कम 4 लाख बताई जाती है, लेकिन जो बाजू इन्होंने बनाया है इसकी कीमत सिर्फ 1300 रुपये है, जिसे ये अब तक का सबसे सस्ता बायोनिक बाजू करार दिया जा रहा है। हाजिक ने कहा, आज के बायोनिक बाजू में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोमियोग्राफी कहा जाता है, जिसमें ये पट्ठों या आसाब की हरकत को महसूस करती है, और इसके मुताबिक बायोनिक बाजू को कंट्रोल करने के लिए सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ताहम इसे मसला यह है कि अगर किसी शख्स के बाजू के आसाब में कोई हरकत बाकी रह गई हो या वो मफलूज हो, तो वो इस बायोनिक बाजू को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वो जगह है जहां मेरा बायोनिक बाजू नुमाया है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैंने जो बनाया है वो सिर्फ एक शख्स के सर की हरकत पर काम कर सकता है, और वो सिग्नल्स बायोनिक बाजू को वायरलेस तौर पर भेजता है, जिससे कि वो इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, चाहे उनके जिस्म में सिर्फ सर बाकी रह जाए। यह हरकत बायोनिक बाजू से मिलने वाले सर पर हेयर बैंड नुमा डिवाइस से होती है, और इसी वजह से हाजिक ने इसे गायरो आर्म का नाम दिया है। ये इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स अपना बायोनिक हाथ बंद करना चाहता है तो इसे सिर्फ अपना सर आगे झुकाना होगा। दाएं या बाएं घुमाने के लिए वो बिलतरतीब अपने सर को दाएं या बाएं घुमाते हैं। एक मुतवसित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हाजिक ने अपने वालिदैन की गैर मुतजलजल हिमायत के लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं।
में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और जो कश्मीर का यूथ है उनको इंस्पायर करने के लिए भी, क्योंकि इससे वो भी अपने जो आइडियाज़ है उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। शायद वो इससे पहले सोचते हो कि क्या हम इम्प्लीमेंट करें या ना करें, लेकिन इसके बाद शायद वो भी इसे इम्प्लीमेंट करें। बेसिकली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं घर वालों से बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट मुझ पर इन्वेस्ट करती है, वो सिर्फ मुझ पर इन्वेस्ट नहीं करती, वो या इस पूरे देश के फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रही है बिल्कुल, क्योंकि मैं इसका कॉस्ट और भी कम कर सकता हूँ, और सिर्फ कॉस्ट ही कम नहीं कर सकता हूँ, इसमें और भी फीचर्स है जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, वो भी मैंने सोचे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा खर्चा आता है। सो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट उसे भी बियर करे ताकि मैं इस पर और काम करूँ और बाकी जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स है उस पर भी। जी फ्यूचर जो फ्यूचर प्लान्स है वो ये है कि जो कश्मीर का यूथ है वो आगे बढ़ना चाहे टेक के फील्ड में, क्योंकि अगर आप देखें तो कश्मीर जो है वो मेनली टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि कश्मीर जो है वो सिर्फ टूरिज़्म के लिए जाना नहीं जाए, वो टेक के फील्ड में भी बहुत आगे जाए, इतना आगे जाए कि जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट की कंपनीज़ है वो यहाँ आए, लेकिन वो हमें जॉब ना दे, हम चूज़ करें कि हमें किस कंपनी में जाना है। उन्होंने मज़ीद कहा, अगर हुकूमत मुझे सपोर्ट करती है तो फिर मैं माशरे की बेहतरी के लिए इसी तरह के मज़ीद जदीद इख्तराई और मुफीद मनसूबों को बढ़ा सकता हूँ और शुरू कर सकता हूँ। बहरहाल सस्ती मसनवी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है। हाजिर की कामयाबी तकनीकी रुकावटों पर काबू पाने में अज़्म और जिद्दत की तब्दीली की सलाहियत का मजहर है। दोस्तों अब एक अच्छी बात आपको बताता चलूं, इन दिनों मेड इन इंडिया ने कमाल कर दिया। हाजीपुर बिहार में तैयार किए जाने वाले जूते रूसी फौजी जवानों के पैरों की हिफाजत कर रहे हैं, और हाजीपुर में तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट्स दिगर ममालिक के लिए भी बेहद मुफीद है, जिनकी मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आखिर इन शूज़ में ऐसा क्या है, जानते हैं। हम लोग यहाँ पर कॉम्पिटी दीज ए कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी हम लोगों का पहले 2010 साल में कानपुर में हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर 2018 साल में यहाँ पर स्टार्ट किए बिहार में हाजीपुर में। हम लोग का मेन इंटरेस्ट यहाँ पर है कि यहाँ का जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है जनरेट करने के लिए। इसके अलावा हम लोग का कानपुर में भी एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम लोग सेफ्टी हैंड ग्लव्स तैयार करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हाजीपुर में हम लोग सेफ्टी शूज अपर जो है एक्सपोर्ट के लिए, रशिया में एक्सपोर्ट के लिए यूज करते प्रोडक्शन करते। दोस्तों आपको वो फिल्म याद होगी जिसमें मरहूम दिलीप कुमार साहब और अजीत ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से मुस्तकबिल को पेश किया था, और इस फिल्म को बीआर चोपड़ा ने 1957 में बनाया था। जी हाँ, वो फिल्म थी नया दौर, और आज का दौर भी वैसा ही है। अब कोलकाता में इसके असरात नज़र आ रहे हैं। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। कोलकाता में 70 बरस से पीले रंग की टैक्सियाँ चलती हैं। इनकी शुरुआत 1950 में हुई, और अब ये हाल है कि इनके अलावा प्राइवेट टैक्सियों की मांग ने जैसे ही इन्हें खतरे में डाल दिया है। पीले रंग की ये सड़कों पर चलती टैक्सियाँ अब अपनी शिनाख्त से महरूम होने के दहलीज पर है। ताहम सूरत हाल ये है कि ड्राइवर्स अपनी रिवायत को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और हालात इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आइए देखें नया ट्रेंड और पुराना। आज हम लोग 35 साल से यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, तो हम लोग का लिए यहाँ पर 102 गाड़ी निकाल दिया है। उन लोग ड्राइवर लोग पैसा ले रहा है, पैसा लेकर पैसेंजर को लेकर जा रहा है, 400-500 रुपया ले रहा है। आज हम लोग 35 साल से गिरा हुआ, अभी तक भी देखिए एक भी गाड़ी का बोनी नहीं हुआ है। उन लोग आ रहा है 400-500 रुपया ले रहा है लेकर चला यार, सरकार से देनी हम नहीं है, सरकार से दे फ्री गाड़ी दिया है, तो उन लोग का ड्राइवर लोग पैसा क्यों लेगा। अब पैनिक बोतम का लिए देखिए, हम लोग एक गाड़ी का कौन दिन चलेगा, इसमें पैनिक बोतम लगाना पड़ेगा। 7000 रुपया से पैनिक बोतम लगाए, काम क्या है, काम कुछ नहीं है। हम एक दिन बोतम दबा, कोई सुनवाई नहीं है, बोला लाल बाजार से डायरेक्ट आएगा, कोई कॉल नहीं आया। तो ये लगा के लफा किया, आप बोलिए। हम लोग का आगे 100 रुपया का किस्त था, अभी 500 रुपया केस दे रहा है, सिंगल फेलो का 500 रुपया केस, नो पार्किंग का 500 रुपया केस।
अभी तक पीला गाड़ी में आज तक कुछ नहीं किया है, तो हम लोग चलाएंगे कैसे? अम्बेसी तो बंद हो जाएगी, फिर दूसरे लाइन में जाना ही पड़ेगा मैडम, रोजी रोटी का सवाल है। तो सरकार से कुछ मांगे? सरकार कुछ देने वाला नहीं है मैडम, आज तक 100 रुपये लीटर तेल हो गया, भाड़ा नहीं बढ़ाया अभी हम लोग का, वही पुराना भाड़ा में चल रहे हैं, और क्या बोलेंगे मैडम। और कोई और क्या क्या तकलीफें आती हैं? तकलीफ आई थी रास्ते में, पुलिस तंग करती है, बिना मतलब का पोल्यूशन चेक करो, MBI वगैरह सब, बहुत से पुलिस वाले तंग करता है हम लोग को मैडम। बाइक जो बिना परमिशन का चला रहा है रेपिडो, वो लोग से फर्क पड़ गया। फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें, और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं, तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत स्प्रिंट फॉर स्प्रिंट, टाइम अब बदलेगा।